है जी, मैं वर्षा और इन हाउस कुकिंग में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज फिर से आज बना रहे हैं सभी के लिए घर पर पास्ता। तो पास्ता ये वाला बहुत ज़्यादा टेस्टी है क्योंकि ये राउंड वाला पास्ता है। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, ये है राउंड वाला पास्ता। और इसमें भी दो तरीके के पास्ते आते हैं, एक थोड़ा मोटा आता है, एक थोड़ा छोटा और पतला वाला। ये छोटा पतला वाला है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हैवी भी नहीं लगता। तो आप ये वाला ज़रूर ट्राई करें, छोटा वाला और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो अभी क्या करूँगी, मैंने निकाल लिया बॉइल में, और क्या करूँ पहले धो लेती हूँ अच्छे से, फिर उधर रखी है कढ़ाई और फिर बॉइल करने के लिए चढ़ाते हैं। तो अभी मैं धो लेती हूँ फटाफट से। ये देखो पास्ता धो दिया है और ये डाल कढ़ाई के अंदर, ये डाल रहे हैं कढ़ाई के अंदर। और अभी क्या करूँगी, इसे डालने के बाद डालेंगे इसमें पानी। डालिया है हमने पानी और अभी क्या करेंगे, अब जलाएंगे इसके नीचे गैस। ये जला दिया कढ़ाई के नीचे गैस। और फिर आप क्या करोगे, बॉईल करते टाइम आपने डालना है इसमें नमक, तो आप नमक डाल के ही इसे बॉईल करें। और बॉईल करके इसका पानी पसाने के बाद ही आप इसे बनाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। तो इसीलिए आप इसे हमेशा बनाएं तो बॉईल करके ही बनाएं। ये डाल दिया है नमक और अभी क्या करते हैं, इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। तारा पास्ता बॉईल, तो मैं इधर कर रही हूँ प्याज। मैं सिर्फ इसमें ये प्याज, टमाटर और ये हरी मिर्चें यही डालूंगी और आपको दिखाएंगे कि हम बना कैसे रहे हैं। तरीका बहुत सिंपल होगा और चटपटा या मसालेदार नहीं होगा, हल्का मसाला डाल के ही बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखिए, और आप प्याज काटें तो थोड़े बड़े बड़े काटने हैं आपने पास्ते के लिए प्याज। इसी ये देखिए प्याज हो रही है कटिंग और कट करने में भी अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखिए देखिए प्याज हो गए कटिंग और मैं ले रही हूँ मिर्चें। ये देखो इस तरीके से आपने छोटी छोटी सी कटिंग कर लेनी है। मैंने ली है चार हरी मिर्चें छोटी छोटी और इसे कटिंग करने के बाद आपने काट लेना है टमाटर फटाफट से। ये देखो ये कर दिया मैंने एक साइड में और आपने टमाटर भी इसी तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपने कट लगाना है और ये कटिंग हो रहा है आपका टमाटर। इसी तरीके से आपने सारे टमाटर को काट लेना है। देखिए ये हो हमारे टमाटर कटिंग और उधर हमारा पास्ता भी हो चुका है बॉईल। ये देखिए ये हो गया पास्ता बॉईल। अभी मैं क्या करूँगी, इसे निकाल दूँगी फटाफट किसी एक टोकरी में निकाल के, उसमें ठंडे पानी हल्का सा मार दूँगी और फिर क्या करते हैं, फिर लगाते हैं तड़का और आपको दिखाते जाते हैं। देखो कढ़ाई का सूख गया है पानी और डाल दिया हमने सरसों का तेल। तेल हो गया गरम, हल्का सा डाल दिया हमने जीरा। अभी हम बना रहे हैं देसी पास्ता तो जीरा हम डालेंगे ज़रूर। देखिए ये डाल दिए हैं कटे प्याज बड़े वाले, इनको बिल्कुल हल्का सा पिंक करेंगे, पूरा ब्राउन नहीं करेंगे। ये देखिए थोड़े और बड़े काटते तो और भी बढ़िया लगता, आप चाहो तो इससे बड़े भी काट सकते हो ताकि वो बड़े बड़े दिखाई दें पास्ते के अंदर, और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आप चाहो तो ग्रीन वाले प्याज जो आते हैं जिसे सब्जी बनाते हैं आप वो भी डाल सकते हो। प्याज आपने इतने टाइम तक ही करना है, ज़्यादा उसको नहीं पकाना है, हल्का सा कच्चापन रहने देना है प्याज के अंदर। फिर डाल देना है आपने अपने टमाटर और हरी मिर्ची जो कि मैंने कटिंग करके रखे हुए थे। ये देखिए ये डाल दिए मैंने टमाटर और हरी मिर्ची। अभी क्या करेंगे, इनको करेंगे मिक्स और थोड़ा सा पहले पकने देंगे और नमक मैं बिल्कुल हल्का सा डाल देती हूँ क्योंकि टमाटर डाला है तो वो अच्छे से पक जाएगा। तो मैं डाल देती हूँ स्वाद अनुसार का हल्का सा नमक डालूंगी क्योंकि बॉईल करते टाइम भी हमने नमक डाला था पास्ते के अंदर, तो इसीलिए थोड़ा सा ही डालूंगी नमक। ये देखिए अभी इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। टमाटर आपने इतने ही पकाने हैं, ज़्यादा नहीं वो करना है। ये देखो फिर भी ये बहुत अच्छे से पक गए हैं नमक डालने की वजह से। तो अभी क्या करेंगे, अभी आप इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले मैं डाल दूँगी इसमें धनिया पाउडर,
धनिया पाउडर, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये डाल दिया है मैंने धनिया पाउडर, हल्की सी थोड़ी तीखी लाल मिर्ची डालूंगी ये भी, जो कि मैं बहुत कम डालूंगी क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी उसमें डाली है। और हल्की सी डाल दिया ये हमने हल्दी, जो कि कलर के लिए डाल रही हूँ मैं। और तो ये डाल दी है, मैं कैच वालों की यूज़ करती हूँ, आप भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। ये देखो ये कर दिया है मैंने मिक्स। और अब क्या करना है आपने इसमें, अब आपने करना है कि अगर आपने इसे और ज़्यादा थोड़ा टेस्टी बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसमें आप सॉस डाल सकते हैं, टमाटर सॉस। तो मैंने थोड़ा ग्रीन वाला सॉस भी इसमें मिक्स किया है टेस्ट के लिए, तो मैं डाल रही हूँ। ये देखिए ये आ गया है टमाटर सॉस, मैं वीवा वालों का डाल रही हूँ, आप कोई भी सॉस डाल सकते हैं ऐसा नहीं है। तो ये दोनों सॉस मैंने डाल दिया, इससे थोड़ा सा उसमें टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ये टमाटर ही होता है। तो इसको क्या करना है, हल्का सा और फ्राई करके, और आप इसमें अब क्या करेंगे, डाल देंगे पास्ता। अगर आप ठंडे पानी में धो लेते हैं तो आपका पास्ता इस तरीके से करेगा। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ये डाल दिया है आपने पास्ता। तो आपने अब क्या करना है, हल्का हल्का सा एक साइड से चलाना शुरू करना है। ये देखो इसी तरीके से आपने पूरे पास्ते को मिला देना है बढ़िया तरीके से। ये देखो देखो कलर कितना अच्छा आ रहा है। आप भी इसमें सॉस ज़रूर डालें, टेस्ट भी आएगा और नया तरीका भी लगेगा और अच्छा लगेगा। आप एक बार को टमाटर भी ना डालें, सॉस डाल सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा इसमें, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए, और अभी क्या करना है आपने, इसमें डाल देना है आपने मैगी मसाला। और डालने के बाद थोड़ी देर आपने इसे दम पर यानी कि भाप में रखना है, पकाना है थोड़े से भाप के अंदर। तो मैं डाल रही हूँ इसमें एक पाउच मैगी मसाला। ये देखिए ये डाल रही हूँ मैं मैगी मसाला। ये डाल दिया है मैंने मैगी मसाला। और अभी क्या करूँगी, मैं कर दूँगी इसको मिक्स, और थोड़ी देर इसको हम ढककर भाप में बिल्कुल स्लो आंच में आप 5 मिनट के लिए इसी तरीके से इसे पकने देंगे, ताकि ये मैगी मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाए पास्ते के अंदर हमारा। ये देखिए, और अभी क्या करना है, मैंने आपको जैसे बताया है आप इसे ढककर 5 मिनट के लिए बिल्कुल भाप में पका देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और हमारा पास्ता बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, टूटा भी नहीं है, और देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, एक बार ट्राई ज़रूर करना है, बहुत ही अच्छा और सिंपल तरीका, आसान तरीका, जल्दी से बनने वाला। जैसे कि मैंने बताया है कि ये हमारे लिए एक देसी ही पास्ता मैंने आपको बना के बताया है, आप भी ऐसे ही बनाएं। और जैसा हमेशा कहती हूँ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करना ना भूलें, अपना भी ध्यान रखें और घर वालों का भी ध्यान रखें। और रोज़ रोज़ नहीं खाना है आपने, महीने में एक या दो बार आप पास्ता ज़रूर खाएं।